आप भी मेरी तरह रेस्टोरेंट्स के मॉकटेल्स को मिस कर रहे हैं, तो क्यों ना आज हम कुछ घर पे ट्राई करें। तो चलो हम आज कुछ ट्राई करते हैं ऐसा जो है इंडिया का मोस्ट फेमस मॉकटेल, जिसका नाम है वर्जिन मोहितो। तो देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलो, वर्जिन मोहितो की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शुगर, यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ फ्रेश लेमन्स, यहाँ पे मिंट लीव्स हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ आइस क्यूब्स। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने इस आइस क्यूब्स को जमाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक ही यूज़ की है। मैंने वाटर को थोड़ा ल्यूक वार्म किया है और फिर आइस क्यूब्स जमने के लिए डाले हैं, और हर एक आइस क्यूब्स में मैंने एक मिंट लीव डाली है ताकि वो काफ़ी सुंदर और अपीलिंग लगे। अब हम यहाँ पे एक हाफ लेमन कट करेंगे। इस हाफ लेमन को हम वापस चार पीसेस में कट करेंगे। अब हमें यहाँ पे लेमन्स और मिंट लीव्स को थोड़ा सा मडल करना है। तो मैंने लेमन्स लिए, थोड़े से मिंट लीव्स लिए हैं, और मैं थोड़ा सा शुगर लूंगी। इन तीनों को हल्के हाथ से मडल करना है। ध्यान रखिएगा हमें ज़्यादा मडल नहीं करना है, अगर हम ज़्यादा मडल करेंगे तो मिंट लीव्स का तीखापन आ जाएगा। तो हम इस मिक्सचर को हम अपने ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ शुगर सिरप, जो कि मैंने पहले से बना के रख लिया था। इस शुगर सिरप को रेडी करने के लिए मैंने 2 टीस्पून शुगर लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया था। मुझे थोड़ा स्वीट ड्रिंक पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे ये स्टेप कर रही हूँ। आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हाफ लेमन है जिसको हम स्क्वीज करेंगे। यहाँ पे हम आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 5 से 6 आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्प्राइट ऐड कर रहे हैं। आप स्प्राइट की जगह नॉर्मल सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सोडा यूज़ करेंगे तो आप शुगर सिरप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, वो टेस्ट अच्छा देगा आपको। यहाँ पे हम 1 पिंच सॉल्ट भी ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मेरा तो अभी से मन होने लगा पीने का, बट अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेमन स्लाइस लेती हूँ। स्लाइस को हम साइड से कट करेंगे और फिर इसे हम अपने ग्लास पे डेकोरेट करेंगे।
ये हो गई हमारी वर्जिन मोहितो की रेसिपी रेडी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप वर्जिन मोहितो। अब बिलीव कीजिए, और जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है उससे कई ज़्यादा अच्छा ये पीने में लगता है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी। हे गाइस, आप मेरे इस वर्जिन मोहितो मॉकटेल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।